हे गाइस, दिस इज़ आरती एंड यू आर वेलकम टू लर्न लाइवली। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मसाला कॉर्न की रेसिपी, जो कि झटपट से बन जाती है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। तो फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे जो मैं कॉर्न इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये बॉयल कॉर्न। तो आप देख सकते हैं, अगर आप फ्रेश कॉर्न इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको प्रेशर कुकर में 4-5 सीटी लगानी होगी, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो दोस्तों, एकदम स्ट्रीट स्टाइल मसाला कॉर्न जो मॉल में मिलते हैं, जो थिएटर में मिलते हैं, वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने स्टाइल में उसको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो पानी है उसको पहले हमें बॉयल करना है। तो यहाँ पर मैं 2 कप कॉर्न ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 कप पूरा पानी भी भर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं पानी में बबल्स आने लगे हैं। तो बस अब मैं इसमें ये कॉर्न ऐड कर दूँगी। तो अब हमें इस कॉर्न को हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक बॉईल करना है। गाइस, 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे कॉर्न को बॉईल करते हुए। तो गैस की फ्लेम को मैं बंद कर रही हूँ और फटाफट से हमें इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो ये लीजिए, कॉर्न को मैंने स्ट्रेन कर लिया। आपको फटाफट से इसको लेना है एक अलग बर्तन में, और सबसे पहले आपको इसमें ऐड करना है बटर। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। बटर से इसमें बहुत ही अच्छा गज़ब का टेस्ट आता है, जैसे आप बाज़ार में कॉर्न खाते हैं ना, एकदम वैसा ही। अगर आपको बटर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, ये वाइट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड करीब 1 से 2 चुटकी काला नमक। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच, एंड ये है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। तो इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे मुझे तो मसाला कॉर्न बिल्कुल प्लेन पसंद है, नींबू और नमक डाल के, थोड़ा सा बटर, लेकिन बहुत लोगों को मसाला कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उन्हीं के लिए है ये रेसिपी। अगर आपको सिंपल खाना पसंद है तो आप इसमें बटर, नमक और नींबू डाल के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तो रेडी हो गया हमारा, वो जो मॉल वगैरह में, थिएटर वगैरह में मिलता है ना, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बस आपको इसमें नींबू का रस निचोड़ना है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ, वो ये कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और हरी धनिया, बारीक कटी प्याज है और बारीक कटी हरी धनिया। साथ में ये नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ रही हूँ, ताजे नींबू का रस। तो फटाफट से इसको मिक्स कीजिए। तो ये देखिए, हमारा यमी सा एकदम मसाला कॉर्न बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यमी दिख रहा है, डिलीशियस, जूसी एकदम। तो बस आइए फटाफट से इसको सर्व करते हैं। तो देखा ना आपने, कितनी जल्दी मिनटों में ये बन जाता है। इसको बनाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल सा है, और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये सिंपल सी मसाला कॉर्न की रेसिपी कैसी लगी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ कटी हुई प्याज से, हरी धनिया से, नींबू और ये एक हरी मिर्च। पी लीजिए, हमारा मसाला कॉर्न बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।